प्रयागराज के पीवीआर और वाराणसी के जेएचवी मॉल में शुक्रवार की सुबह बम की सूचना से खलबली मच गई। आनंद फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मॉल में मौजूद सभी ग्राहक दुकानदारों को बाहर निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने बम निरोधक दस्ते के साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया। पूरे मॉल का चप्पा चप्पा जाँचना शुरू कर दिया गया। वहीं प्रयागराज में शुक्रवार सुबह किसी ने ट्वीट करके पुलिस को जानकारी दी कि पीवीआर के अंदर बम रखा है। इस सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी दिनेश सिंह कई थानों की फोर्स के साथ पीवीआर पहुंचे और उन्होंने पूरी सुरक्षा इंतजाम के साथ पीवीआर को खाली कराया। वहीं सभी दुकानें बंद करा दी गईं और लोगों को बाहर कर दिया गया। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए यातायात पुलिस को लगा दिया गया। 1 बजे पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू की। एक तरफ जांच होती रही, दूसरी तरफ किसी तरह की अव्यवस्था न फैले पुलिस वाले मॉक ड्रिल बताने में लगे रहे। इससे पीवीआर के चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस को देख कर लोग मोबाइल से वीडियो और फोटो लेते रहे। वहीं वाराणसी के कैंटोनमेंट में स्थित जेएचवी मॉल में बम रखने की सूचना पुलिस को मिली। एसएसपी के निर्देश पर सीओ कैंट की के साथ भारी फोर्स और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। फिलहाल 2:30 बजे तक विस्फोट या कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली थी। यहां भी पुलिस को ट्वीट के जरिए सूचना मिली थी। एसएसपी अमित पाठक के अनुसार ट्वीट करने वाले की पहचान कराई जा रही है।